केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया। अब बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय बजट को देश का राहत और विकास का बजट बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इस बजट को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं। इसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, मगर वे सब बेईमान हो गए। सब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है, वो अति दुखद है। इस दौरान मायावती ने झूठी उम्मीदें बताकर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो चीफ मायावती ने भाजपा सरकार पर झूठी उम्मीदों का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर लिखा, इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों के फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दाब पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? दरअसल मायावती ने इस दौरान भाजपा सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सरकार को संकीर्ण नीतियों एवं गलत सोच का सबसे ज्यादा गलत प्रभाव उन करोड़ गरीबों, किसानों, अन्य मेहनत कश लोगों को जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं, असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भर पर ध्यान दे ताकि आमजन की जेब भरे और देश का विकास हो। दरअसल इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने भाजपा सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करें तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीब मजदूरों और वंचित किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा हैं, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा बजट महंगाई व बेरोजगारी दोनों को बढ़ाता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। वहीं भाजपा बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकर पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही बजट महंगाई व बेरोजगारी की ओर बढ़ता है। बजट के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया जमकर भाजपा के बजट को कोसते हुए नजर आए।